गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र विषय। नागरिक शास्त्र विषय में पहला पाठ संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। संसदीय शासन प्रणाली का परिचय नागरिक शास्त्र विषय की यहाँ से शुरुआत है। भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करते। इस वर्ष नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत भारत के संविधान किस तरह से सही तरीके से चले और किस तरह से पूरे देश की शासन व्यवस्था सही ढंग से चले, किसी तरह का रुकावट ना आए, व्यवधान ना आए, और व्यवधान आने के बाद उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसी बात का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के पाठ में संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं इसको जानेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में आते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले अगर न्यूज़ देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ पर, और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन जो संसद का पूरा कारभार है वह प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होता है, उनकी देखरेख में होता है। तो प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। उपर्युक्त उल्लिखित कुछ प्रश्नों से हमारे ध्यान में आता है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले का भी इतिहास पढ़ा होगा तो उस इतिहास में देखा होगा, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, राजाओं का राज चलता था, उनके हिसाब से कानून स्वयं बनाए जाते थे, समय के हिसाब से उसमें उनके जो सलाहकार होते थे परिवर्तन करते रहते थे। किसी पर भी दोषारोपण अगर हो गया तो उसे फांसी की सजा या जो भी सजा निर्धारित की जाती थी राजा के द्वारा या उनके सलाहकारों के द्वारा उसे सजा दे दी जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग शासन प्रणाली अनेक देशों में आई, तो लोग एक लिखित संविधान, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है कि किस तरह से रशिया में क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड यूरोपियन देशों में हुई, उसका बाकी के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर किस तरह से लिखित संविधान नियम कानून कायदे बनने लगे कि जिससे किसी भी तरह की असमानता ना रहे। इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है। विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है, विधिमंडल कहते हैं, विधि का अर्थ कानून है, तो कानून बनाने का कार्य विधानमंडल करता है। कार्यकारी मंडल उन कानूनों को प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही करता है। अब कार्यकारी मंडल क्या है, आगे के पाठों में इसके विषय में दिया है। विधानमंडल किस तरह से कानून बनाता है, उसके कार्य कौन से, उसका प्रमुख कौन है, कार्यकारी मंडल में कौन प्रमुख होता है, कार्यकारी मंडल के और कौन कौन से पार्ट्स है, भाग है, यह सब आगे के पाठों में हम पढ़ेंगे। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर तीन प्रमुख बातें दी गई है, विधानमंडल कानून बनाने का कार्य, कार्यकारी मंडल कानून की प्रत्यक्ष कार्यवाही, जो भी विधानमंडल ने कानून बनाए है, जो नियमावली बनाई है उसकी कार्यवाही सही तरीके से हो, लोगों तक सिस्टम को पहुंचाने का कार्य कार्यकारी मंडल का है। और न्यायपालिका क्या है, किसी भी तरह से अगर किसी को लग रहा है कि हम पर अन्याय हो रहा है तो न्याय प्रदान करने का कार्य न्यायपालिका करती है। संविधान द्वारा इन तीन अंगों के कार्य, उनके अधिकार, क्षेत्र, सीमाएं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। संविधान एक लिखित स्वरूप का जो नियमावली है, कानून की पुस्तक है। हम लोग इसके बारे में 7वीं कक्षा में भी पढ़े हैं कि संविधान क्या है, संविधान के तहत कौन कौन सी बातें आती हैं, उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं, किसको राज्य के अंतर्गत कौन से मुद्दे आते हैं, केंद्र के अंतर्गत कौन से मुद्दे आते हैं, इन सब बातों का निर्धारण किया गया है। संविधान के जो प्रमुख घटक है वह कौन से, एक विधानमंडल, समय समय पर जो कानून बनाया उसमें भी अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन करते हैं, कार्यकारी मंडल है, उन कानूनों का सही रूप से प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करना, और उसके बाद फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका का कार्य क्या है,
न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। तो इस तरह से ये सब बातें चलती है डेमोक्रेसी में। इसके आधार पर शासन प्रणाली जो सिस्टम है वह दो तरह की शासन प्रणाली है डेमोक्रेसी में भी, लोकतांत्रिक प्रणाली में भी, जैसे एक संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या है उसको देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, अलिखित अर्थात हमारे यहाँ का जो संविधान है वह लिखित है, उसके अंदर नियमावली बनी है, लिखा गया है उसके अनुच्छेद कितने हैं, कितने कानून हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, सब उसके अंदर वर्णित है, किस कार्य के लिए किस तरह का प्रावधान है, कैसे उसे पास किया जाता है, उसका एक निश्चित प्रोफार्मा है, लिखित तौर पर हमारे पास हमारा संविधान है। लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है वह अलिखित है और मुख्यतः इंग्लैंड में ही विकसित हुई संसदीय शासन प्रणाली। आज भी वहां के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। पार्लियामेंट भी वहां की उत्क्रांत संस्था है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वैसे वहां पर भी है। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात इंग्लैंड की शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप में समानता पाई जाती है, परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली में काफी कुछ समानता है संसदीय शासन प्रणाली और इंग्लैंड की जो शासन प्रणाली है, दोनों में कुछ तथ्य हैं ऐसे जो अलग है भारतीय शासन प्रणाली और इंग्लैंड की शासन प्रणाली। अब यहाँ पर दिया है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी है। संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधान मंडल को संसद कहते हैं। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अभी संसद की कार्यवाही चल रही है, संसद का मानसून सत्र आप न्यूज पे देख सकते हो किस तरह से वहां पर चर्चा परिचर्चा होती है, कई बातों को लेकर के हंगामा होता है, आए दिन न्यूज में हम देख रहे हैं। तो संसद के मुख्य भाग कौन से हैं, भारत में राष्ट्रपति प्रमुख है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है। अब संसद में कितने लोग हैं, 550, और फिर राज्यसभा के अंतर्गत 238 और 12 मनोनीत सदस्यों को पकड़े तो 250 होते हैं। इसकी आगे इसको हम राज्यसभा लोकसभा के बारे में भी डिटेल में आगे के पाठों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि संसद में जो सांसद हैं उनको सांसद कहते हैं जो चुन करके जाते हैं, तो लोकसभा में जो चुन करके जाते हैं सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, उसकी अलग व्यवस्था है और उनकी जो संख्या है वह निश्चित है, निर्धारित की गई। निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनाव में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। हम देखें सब राजनीतिक दलों के अलग अलग सिंबल्स हैं, चिन्ह है, उन चिन्हों के आधार पर भी हम उसे पहचानते हैं। तो जो भी राजनीतिक दल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वह चुनाव की प्रक्रिया में सहभागी होता है। उसमें जनता जिसे चुनती है वह जाकर के वहां पर संसद में बैठ करके कानून बनाना या जो भी जनता की समस्या है लोग वहां तक पहुंचाने का कार्य वह करता है। इन चुनाव में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती है उस दल को बहुमत प्राप्त दल माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। बहुमत आधे से अधिक अगर जीतते हैं, सांसद जीते जाते हैं, चुने जाते हैं सीधे जनता द्वारा, वह संसद में जाकर के बैठते हैं और उनकी बहुमत की सरकार बनती है और उन्हीं में से किसी एक को नेता चुना जाता है। कई बार किसी एक दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे समय में कई राजनीतिक दल मिल करके अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और सरकार स्थापित करने का कार्य करते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। पूर्व में ऐसी अनेक सरकारें हमारे देश में आई जहां पर 2 दल, 3 दल, 18 दल, 20 दल, ऐसे कई दलों को मिलाकर के सरकार बनी। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब ऐसी प्रक्रिया है कि गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वह दल सरकार बनाता है और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है और वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री
पदों के लिए चुनाव करता है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लोगों ने देखा कई मंत्री बदले गए, नए नए मंत्रियों को चुनाव हुआ, तो जो बहुमत दल प्राप्त है, तो इस वक्त मैंने जैसे कि बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके प्रमुख जो है वह प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के तौर पर सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का राज है इस वक्त, तो प्रधानमंत्री के तौर पर वे कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने सहयोगी मंत्रियों का चुनाव किया है जिसके आधार पर यह प्रक्रिया चलती है। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल का दोहरा दायित्व है। कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है। वे विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं तथा उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। कार्यकारी मंडल का डबल रोल होता है, उन्हीं में से कुछ लोगों को प्रमुख अलग अलग विभाग दिए जाते और उन विभागों के आधार पर उन्हें अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने मंत्रिमंडल अपने सभी कार्य और नीतियों के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। अर्थात विधानमंडल, कार्यकारी मंडल सभी मिल करके अपना कार्य करते हैं और वे एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है, इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। इसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे लाया जाता है यह हम अगले पाठों में देखने वाले। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल के विश्वास पर टिका होता है, अर्थात विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों का जब तक विश्वास है तब तक वह उनकी सरकार चलेगी, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, किसी भी तरह से सरकार को गिराने के लिए कोई कृत्य किया जाए, तो ऐसे अनेक बार लोगों ने पूर्व में भी देखा है कि विश्वास मत प्राप्त करने के लिए फिर से बहुमत अपना सिद्ध करना पड़ता है और बहुमत सिद्ध कर दिए तो वह सरकार फिर से टिकी रहती। इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधानमंडल का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है। यदि विधानमंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित करती है। अविश्वास प्रस्ताव कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावकारी साधन। अगर कार्यकारी मंडल सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जाता है और उस पर फिर वोटिंग होती है, उसकी एक प्रक्रिया है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया वह सरकार गिर जाती है या कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित करके पुनः फिर से चुनाव होगा या नई सरकार बनाई जाएगी। जिसके पास बहुमत होगा वह फिर से सरकार बना सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अथवा विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं। तो जो भी सांसद हमारे यहाँ से चुन करके जाते हैं तो हमारी एक तरह से बातें वहां तक पहुंचाने का कार्य वे सांसद करते हैं, और जनता की जो भी समस्याएं हो जनता सीधे तौर पर अपनी बात वहां तक नहीं ले जा सकती, इसके लिए उनके एक तरह से हमारे प्रतिनिधि होते हैं। जो भी सांसद है हमारे द्वारा चुने गए हमारे प्रतिनिधि है जो हमारी समस्याओं को, देश की समस्याओं को संसद तक ले जाने का कार्य करते हैं। लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद लोगों के प्रतिनिधियों की सदन है, कारण और जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करती है, अतः संसद का स्थान श्रेष्ठ है, इसलिए शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली करते हैं। अर्थात जनता द्वारा चुनी गई है, जनता की बातों को वहां पर पहुंचाना है, तो जनता के द्वारा चुना है इसलिए सर्वश्रेष्ठ अधिकार संसद के पास है। अब संसदीय शासन प्रणाली, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया और उसके कुछ कारण है। क्यों स्वीकार किया है, इसके क्या कारण है? ब्रिटिशों के शासनकाल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मिति हुई थी। ब्रिटिशों ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना शुरू किया था। संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है। फलतः इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ था। संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा हुई थी।
संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए। तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं क्योंकि पहले से ही ब्रिटिश सरकार यहाँ पर थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, बाद में यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली लाने का कार्य ब्रिटिशों ने किया, उसी के सिस्टम से उसी के माध्यम से यहाँ पर शासन की व्यवस्था चल रही थी और देश की आज़ादी के बाद भी वही कानून थे। उसके अंदर फिर बहुत सारे फेर बदल करके हमारे संविधानकर्ताओं ने, जिसने संविधान बनाया, निर्माताओं ने अपने देश के अनुकूल क्या हो सकता है जो आवश्यक परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को करने के बाद फिर से उसी संविधान को आगे बढ़ाया गया। यह संसद है जहाँ पर लोकसभा की कार्यवाही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा परिचर्चाओं को बड़ा अवसर होता है। चर्चा परिचर्चा क्या है, किसी दिन राज्यसभा या लोकसभा की जो कार्यवाही चल रही होती है तो लोकसभा टीवी पर भी हम देख सकते हैं, दूरदर्शन पे भी जो समाचार है उसमें भी दिखाया जाता है। तो संसदीय प्रणाली की जो चर्चा परिचर्चा किस तरह से होती है, उसका क्या सिस्टम है, उसको आप सब न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है। इस चर्चा में विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं। सही मुद्दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं। अगर विरोधी दल की भी शासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अगर शासन में बैठे हुए लोग अगर किसी भी तरह की गलती कर रहे हैं, गलत कोई कानून ला रहे हैं जो जनता के हित में नहीं है, जनता के नुकसान के लिए, देश के हित में नहीं है, तो उसका विरोध करने का कार्य विरोधी दल कर सकता है, उनके सामने प्रश्न कर सकता है, बड़े ही तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को संसद में रख सकता है। उसके बाद फिर चर्चा परिचर्चा के बाद ही कोई कानून पास होता है। इससे संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है, अर्थात किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती से किसी कानून को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए विरोधी दल की भूमिका भी यहाँ पर प्रमुख हो जाती है कि जनता के हित के ही कार्य किए जाए। वर्तमान में मंत्रिमंडल जो है उसमें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है हमारे देश में, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह। तो यह वर्तमान में जो प्रमुख हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, शासन चलाने की अभी एक प्रणाली, एक सिस्टम है जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख थे, तो जहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी वहां पर राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख होंगे। तो ऐसी जो व्यवस्था है अमेरिका में, ऐसी शासन प्रणाली, यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। विधानमंडल से कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को चुनने का कार्य, जितने भी नेता चुने गए हैं, सांसद चुने गए, जो बहुमत की सरकार जिसकी होगी उसमें से एक प्रमुख चुना जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए। और यहाँ पर कैसा है कि राष्ट्राध्यक्ष का जो चुनाव है, जैसे अमेरिका है, वहां पर सीधे जनता राष्ट्राध्यक्ष को चुनती है। कार्यकारी मंडल पूरी तरह से विधानमंडल से निर्लिप्त होता है। विधानमंडल का कार्य है कानून बनाना, कार्यकारी मंडल का कार्य है उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू कराना। तो इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव है वह प्रमुख है, जिसमें जनता सीधे वोट दे करके अमेरिका जैसे देश में राष्ट्राध्यक्ष की जो व्यवस्था है वह इस तरह से चलाई जाती है। इस प्रणाली को भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। शासन संस्थाओं की तीनों अंग इस प्रणाली में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो तीनों अंग कौन से थे हम लोगों ने देखा, विधानमंडल कानून बनाने का कार्य, फिर उसके बाद कार्यकारी मंडल जो भी कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद फिर न्याय प्रणाली, कानून सही तरीके से चल रहा है या नहीं, उसके खिलाफ कोई जा रहा है तो न्याय प्रदान करने का कार्य न्यायपालिका का होता है। तो यहाँ पर तीनों भी अलग अलग होने के बावजूद भी तीनों में एक सूत्रता है, इसके लिए उनके बीच जो आवश्यक है वह पारस्परिक संबंध होता है। ये अमेरिका का व्हाइट हाउस, जैसे हमारे यहाँ की संसद है उसी तरह से वहां पर जो अमेरिका का व्हाइट हाउस फेमस है, और इस वक्त वहां के राष्ट्राध्यक्ष है जो बाइडेन। अमेरिका में शासन प्रणाली को स्वीकार किया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हम देखते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। विधानमंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा ही किया जाता है, अर्थात विधानमंडल में जो चुने गए लोग हैं उनका चुनाव भी सीधे जनता द्वारा है, और जो प्रमुख है राष्ट्राध्यक्ष उसका भी चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं,
उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। तो हम लोगों ने देखा अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी कुछ जो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसिक सिस्टम है उससे भी मिलता जुलता है। यहाँ पर भी विधानमंडल है, कार्यकारी मंडल है, न्यायपालिका है। स्वतंत्र होने के बावजूद भी वे एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्धति से शासन चलाने का कार्य किया जाता है। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणालियां जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है आदि देशों में अलग अलग शासन चलाने की व्यवस्था है। विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंब करते हुए दिखाई देते हैं। अब अगले पाठ में हम सब भारतीय संसद की संरचना क्या है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख कौन है, वहाँ की चुनावी प्रक्रिया क्या है हमारे देश में, इन सब चीज़ों का हम आगे के पाठों में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन हम आगे के पाठों में करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं स्वाध्याय की। संसदीय शासन प्रणाली देश में विकसित हुई, तो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली जो है वह इंग्लैंड में विकसित हुई, तो फिलिप्स में आएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में इंग्लैंड। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, तो हम लोगों ने देखा राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका का उदाहरण दिया मैंने, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष, तो रिक्त स्थान में आएगा राष्ट्राध्यक्ष। यहाँ पर मंडल का नाम दिया है, विधानमंडल, कार्यकारी मंडल, न्यायपालिका और उसके कार्य लिखने, विधानमंडल विधि मंडल कानून बनाने का कार्य, कार्यकारी मंडल कानून का कार्यान्वयन करता इम्प्लीमेंट करने का कार्य कार्यकारी मंडल का, न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करने का कार्य न्यायपालिका करती। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि भारत में पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनका शासन चल रहा था और उन लोगों ने बाद में अपने यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली लागू की, उसके हिसाब से राज कर रहे थे। स्वतंत्रता के समय भी संसदीय शासन प्रणाली लागू थी। फिर हमारे जो संविधान कर्ता थे, कानून में अनेक संशोधन करके जो पुराना संविधान था ब्रिटिश के समय का, हमारे जो अनुकूल नहीं था उन सब बातों को हटा करके फिर पूरे देश को चलाने के लिए किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके लिए कैसे लिखित रूप में संविधान बनाया जाए, तो संविधान कर्ताओं ने उसी को आगे बढ़ाया, उसके अंदर संशोधन करके, उसके ऊपर और ज्यादा स्टडी करके फिर से संविधान की पुस्तक लिखने का कार्य हमारे संविधानकर्ताओं ने किया, इसलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को बड़ा महत्व प्राप्त है। जो सांसद होते हैं हमारे द्वारा चुने जाते हैं, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनको चुनने के पीछे, संसद में भेजने के पीछे का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति संसद तक पहुंच नहीं सकता, उसकी आवाज, जन जन की आवाज संसद तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सांसद चुने जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद विपक्ष और पक्ष दोनों की भूमिका प्रमुख रूप से शासन किस तरह से प्रजा के हित में हो, देश के हित में हो, किस तरह से राज चलाया जाए, उसमें अगर किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि नहीं यह कानून सही नहीं, तो विरोधी जो पक्ष होता है वो उसका विरोध करता है। वो भी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, बहुमत से जो सरकार आई है उसके जो प्रतिनिधि है, जो सांसद है, वह भी हमारे द्वारा ही चुने गए। तो वहां पर चर्चा और परिचर्चाओं को सबसे ज्यादा महत्व इसलिए कि तर्क करने के बाद जो सही होगा, जिस तरह के संशोधन करने के बाद, जैसे कोई एक कानून लागू करना है उस पर बहुत लंबी चर्चा चलती, उसमें कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, तो इस तरह से उस कानून की जो कमियां है उसको हटाया जाए और उसको और अच्छे से अच्छा बनाने का कार्य किया जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को इसलिए विशेष महत्व प्राप्त है कि जनता का किसी भी तरह से अहित ना हो, गलत ना हो किसी के साथ। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा।